हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 17 सितंबर की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले बात करते हैं 15 सितंबर को क्या होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को होता है वर्ल्ड ओजोन डे, और इस बार की थीम क्या थी, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, और मैंने इस पर मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और वर्ल्ड ओजोन डे कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, 1994 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अगला है लोकसभा पास सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट रूल 2020। इसमें क्या है कि 1 ईयर तक जितने भी MP हैं और मिनिस्टर हैं, उनकी जो सैलरी वो 30% तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ 1 साल तक। और क्यों? बिकॉज ऑफ COVID-19। उसके बाद इसके एक्ट की बात करते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 का था, और मिनिस्टर का क्या था, 1952 का एक्ट था। अगला बात करते हैं, PM मोदी ने क्या इनाग्रेट किया है, प्रोजेक्ट अंडर नमामि गंगे योजना एंड अमृत इन बिहार। इसका फुल फॉर्म क्या, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है। उसके बाद SBI एंड टाइटन लॉन्चेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस थ्रू वॉचेस कार्ड टाइटन पे। ठीक है, तो SBI और टाइटन ने क्या किया है, लॉन्च किया है टाइटन पे। ठीक है, जो कि क्या रहेगा, एक वॉच से पे करने का रहेगा। अगला है इंडिया ज्वाइंट डिजिबिलिटी कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, और इसको क्या, इसको एक और नाम है, इसको क्या कहा, जिदा अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये है क्या, एक रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है। ठीक है, यानी जो मैरिटाइम का मतलब जो भी सी से रिलेटेड होता है, ठीक है, समुद्र से रिलेटेड। एंड इट वाज इस्टेब्लिश बाय इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन 2008। यानी जिद्दा अमेंडमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2008 में। और अगर हम इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लंदन UK में। ठीक है, जिदा अमेंडमेंट के बारे में जानते हैं, ये क्या है, ये जैसे कि जो सी में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो भी क्राइम होते हैं, ठीक है, उन सबको रोकने के लिए ये बनाया गया है, और इंडिया इसका पार्ट है, और इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी इंडिया पार्ट है। ठीक है, तो दोनों का इंडिया पार्ट बन चुका है। उसके बाद अगला है एक्सिस बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रलय मॉन्टल रिजाइंस। ठीक है, तो याद रखना है ये क्या थे, ये एक्सिस बैंक के ED थे जिन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है। अगला है कपिला वत्स्यायन पास्ड अवे, जो कि क्या थी, एक आर्ट्स स्कॉलर थी। ठीक है, उसके बाद अमिताभ घोष पास्ड अवे, जो कि क्या थे, एक फॉर्मर RBI गवर्नर थे, ये 21 डेज के लिए गवर्नर बने थे, इन 1982 या 84 में बने थे। ठीक है, ओनली फॉर ट्वेंटी वन डेज। ओके, अगला है इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.2% इन 2021। ठीक है, किसने कहा है, OECD ने कहा है। OECD का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है। तो पूछा जा सकता है कि OECD ने कितना इंडियन इकोनॉमी को बताया है, तो 10.2% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वर्ल्ड इकोनॉमी 4.5%। अगला, मीरा नेर विंस जेफ स्कॉल अवार्ड फॉर इम्पैक्ट मीडिया एट TIFF 2020। इसका फुल फॉर्म क्या है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो क्या है, कनाडा की सिटी है। ठीक है, और जो कि हर साल क्या ऑर्गेनाइज कराती है, एक फिल्म फेस्टिवल। तो मीरा ने ये क्या जीता है, जेफ स्कॉल अवार्ड जीता है। ठीक है, और जो भी जेफ स्कॉल अवार्ड किस लिए दिया जाता है, सोशल, ये दिया जाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, तो याद रखना मीरा नेर। एंड ग्लेन मैक्सवेल इज़ द फास्टेस्ट 3000 रन इन ODI इन टर्म्स ऑफ बॉल। तो ग्लेन मैक्सवेल कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं, और इन्होंने सबसे कम बॉल में 3000 रन अपने कंप्लीट किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर था। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।